अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। खुश आमदीद। आज की वीडियो में बस जी अचानक से याद आ गया कि वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। मैं बना रहा था कैल्शियम बर्ड्स के लिए, ठीक है जी। ये हर किस्म के बर्ड्स के लिए जो है ना वो यूज़ होता है, और घर में मैंने रखी हुई हैं देसी मुर्गियाँ। जैसा कि आपको पता है सबको कि मैंने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो ये घर में जो अंडे यूज़ होते हैं ये उनके छिलके इकट्ठे हुए हुए थे। मैंने उनको घर वालों को बोला हुआ था कि जी आप लोगों ने छिलके जो है वो वेस्ट नहीं करने। और लास्ट ईयर भी मैंने इनका जो सा ना इस तरह कैल्शियम बना के रखा था, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला था मुझे। पिछले साल भी सर्दियों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था इसका, तो इस साल भी जो सा ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये वाला काम, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो सा आज वो वाइंड अप किया जाए। तो गैस तो जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो गैस यहाँ पर मसला होता है गैस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैस आती रहती है थोड़ी बहुत, तो अपना काम चल गया बेसिकली ना, अपना काम हो गया थोड़ी सी गैस में भी। अच्छा, अब इसको जो सा ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको मैं पकाने क्यों पका रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ आपको। और इसके अंदर मैंने एक दो बार जो सा वो चीज़ को हिलाया भी है ताकि इसका प्रॉपर तरीके से पानी फिर जाए इन अंडों के अंदर, ठीक है जी। इस तरीके से दो तीन बार चार बार आपने जो सा इनको गर्म पानी के अंदर उबलते हुए पकते हुए पानी के अंदर आपने फेंक के थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इनको हिला देना, ठीक हो गया। इसका हिलाने का मकसद ये है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का जो कच्चापन होता है अंडों का, वो वाइटनेस जो उनसे होती है वो ना रहे, उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि आपके बर्ड जो सा जब फीमेल कच्चा अंडा खा लेगी, बेशक वो मुर्गी ही क्यों ना हो, एक बार अगर मुर्गी को या बर्ड को चस्का लग गया कच्चे अंडे का, तो वो फिर अपने अंडे पीना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इनको पकाने का ये मकसद है, इनमें जो कच्चापन होता है वाइटनेस जो सी होती है, ये छिलके के ऊपर छिलके के अंदर से जो निकलती है, ये कच्चे अंडे थे बेसिकली। उबले हुए अंडे का छिलका नहीं पकाना होता, उबले हुए अंडे का छिलका आप ऐसे ही छील के उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये देसी अंडे के छिलके हैं। देसी अंडे का छिलका जो सा वो ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा प्रोटीन वगैरह रखता है अंदर। अब मैंने करना क्या जी, इसको मैं निकाल के मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं। इसको निकाल के मैंने अब ये पक चुका हुआ है तकरीबन आधे पौने घंटे से ये पक रहा है, ठीक है। अब इसको जो सा निकाल के हमने ये चूल्हा कर दिया बंद, और इसको जो सा अब निकाल के ना मैंने इसको दो दिन तकरीबन इसको मैंने ड्राई करना है, ठीक है। दो दिन खुशक करना है, धूप निकल आई तो मैं धूप में भी रख दूँगा इसको। तो इसको जो सा उसके बाद जो सा हमने ग्राइंड कर लेना, ठीक है। ग्राइंड करके इसका वो जो पाउडर फॉर्म में ले आना, पाउडर फॉर्म बिल्कुल जिस तरह कटल बोन फिश वगैरह पाउडर होती है, तो इस तरीके से ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर बना के इसको आप सॉफ्ट फूड के ऊपर, अपने जो एग ब्रेड वगैरह आप सॉफ्ट फूड बनाते हैं बर्ड्स का, उसके ऊपर आप यूज़ करवा सकते हैं। बड़ी बेहतरीन चीज़ है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।